हाँ बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। कल हमने पढ़ लिया था एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो टर्म्स है कंसंट्रेशन, उसको किस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं। तो कल मैंने बताया था एक परसेंटेज के बारे में, तो उसी के आगे हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। परसेंटेज हम किस टाइप से निकालते हैं, परसेंटेज कंसंट्रेशन को किस टर्म में रिप्रेजेंट करना है, परसेंटेज टर्म में। तो देखो, दो इसमें हम तीन टाइप से एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन को परसेंटेज वे में। वेट बाय वेट परसेंटेज, सेकंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड हम करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये फर्स्ट दो जो हमने लिखा है बेटा, वेट बाय वेट परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये हम यूज करते हैं अगर इफ सॉल्यूट इज सॉलिड। अगर हमारे पास में सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, तो इन टर्म्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास में सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड है, इफ सॉल्यूट इज लिक्विड, और सॉल्वेंट भी कैसा है, लिक्विड है। सॉल्वेंट भी कैसा है बेटा, लिक्विड है। तो इस टर्म को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा, वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला है वेट बाय वेट परसेंटेज किसके लिए करेंगे हम, उन टाइप के सॉल्यूट के लिए करेंगे जो नेचर में कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड सॉल्यूट के लिए हम यूज करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। किस टाइप से निकालते हैं, तो यहाँ पे जो वेट लिखा है ना, इसका मतलब है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये डब्ल्यू है मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो इनटू क्या कर देंगे, 100 मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये ग्रामों में लेंगे हम, क्वांटिटी किस में लेंगे हम, क्वांटिटी है मास है ना, तो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम में। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हमें दिया है सपोज 10 ग्राम ऑफ सोल्ट, 10 ग्राम ऑफ सोल्ट इज मिक्स्ड या डिजोल्व इन ए, सॉरी हाँ, अगर लिखा है हमारे पास में क्वेश्चन 10 ग्राम ऑफ सोल्ट इज मिक्स इन है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो सॉल्यूशन है ना, इसका वेट भी हमें कितना दिया है, ग्राम में दिया है। सॉल्यूशन जो कि कैसा होता है, लिक्विड नेचर का है, और ये जो सोल्ट है वो भी कैसा दिया हमें, ग्राम में दिया है। तो ये टर्म हम यूज करेंगे, तो क्या लिख देंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, क्या आएगा 10% वेट बाय वेट। इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, जिसमें अगर हम सॉल्यूट कैसा लेते हैं, सॉलिड लेते हैं, तो ये टर्म हमें यूज करनी होगी। सेकेंड टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी किसके लिए यूज करते हैं, अगर सॉल्यूट कैसा है हमारे पास में, सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, तो उसके लिए ये टर्म हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम वेट लिखो, या फिर आप इसको मास लिख सकते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वी का मतलब क्या होगा बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू कर देंगे हम 100। एक एग्जांपल देके बताता हूँ, सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन ए 500 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, फाइंड
कंसेंट्रेशन इन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको सॉल्व करके बताओ बच्चों, फॉर्मूला ये लगाना आपको, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे बेटा, देखो वेट ऑफ वेट और मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हमारे पास में सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज, जिसका वेट कितना दे रखा है 25, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे रखा है 500, 500 इंटू क्या करेंगे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 20 और ये 20, तो ये आ गया हमारे पास में 5। अब इसको क्या लिखेंगे बेटा, 5 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना, 5% आया ना। तो इसको हम लिखेंगे वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, या इसको ऐसे लिख देंगे 5% वेट बाय वॉल्यूम, ये आंसर होगा हमारा। इसी टाइप से अगर आपको कोई लिक्विड देता है, लिक्विड है आपके पास में सॉल्यूट, और इसको मिक्स करके एक हम क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या दिया है बेटा, सॉल्यूट में लिक्विड दिया है और उसको मिक्स करके आपको क्या बनाना है, उसको मिक्स करके आपको बनाना है सॉल्यूशन। सॉल्यूट भी कैसा है, लिक्विड नेचर का है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ, किस टर्म में हम यूज करेंगे इसको, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस टाइप से हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करेंगे। सपोज आपको दिया है 70 ml ऑफ एथेनॉल इज मिक्स्ड इन 200 ml ऑफ एथेनॉलिक सॉल्यूशन, फाइंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला लगाएंगे, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट कितना है 70 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये आपका आंसर आएगा। तो आई थिंक कंसेप्ट इज सम पार्ट क्लियर, कुछ समझ में आया होगा आपको। अब हम फाइंड करेंगे बेटा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपको बहुत देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल में, स्ट्रेंथ फाइंड करना, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड करना। कैसे फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल तरीका बेटा। स्ट्रेंथ हम फाइंड करते हैं ग्राम पर लीटर में, इसमें फाइंड करते हैं बेटा ग्राम पर लीटर में, इसकी यूनिट होती है, स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे ग्राम का मतलब क्या है, ये बेटा मास ऑफ द सॉल्यूट, और ये लीटर का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला बन गया बेटा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बन गया मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम है, उससे हम अगर हम डिवाइड करते हैं तो स्ट्रेंथ मिलेगी हमें, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम, ग्राम पर लीटर, ठीक है। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है 3 ग्राम ऑफ KMnO4, KMnO4 पता है ना, ये क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, इज डिजोल्व इन 600 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड
स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है? ये रहा मास, कितना लिखा है बेटा? 3 ग्राम, ये मास है। डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 600 ml। तो लिख देंगे हम 3 डिवाइडेड बाय 600। इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ग्राम पर लीटर में आंसर। इसको कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करके आप लिखेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो ये हो गया 2, तो ये हो गया 1/200। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर लिखेंगे किसमें? ग्राम पर लीटर में। तो आई थिंक स्ट्रेंथ आपको समझ में आई होगी किस टाइप से हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। ग्राम पर लीटर में निकालेंगे और फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ मिलेगी हमें। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है बेटा मोलरिटी। मोलरिटी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग तो मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन इन पर लीटर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। या इसको हम और किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस टाइप से इसको बता सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलरिटी। फाइंड करने का तरीका देखो, फॉर्मूला लिख देता हूँ मोलरिटी का, सब लोग नोट कर लेंगे नोटबुक में। मोलरिटी इक्वल टू, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान देना है आपको। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये ध्यान देना, लीटर में लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेंगे किसमें? लीटर में। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आपको करके दिखाना है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, एक्सरसाइज के लिए, आपके लिए ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वॉटर। फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, नंबर 2। मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 3.16 ग्राम ऑफ KMnO4 इज डिजोल्व इन 2 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन।
ये दो क्वेश्चन लिखे, इसके आंसर लिख के बताओ बच्चों जल्दी से। ये फॉर्मूला है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन को देखो आप, क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व है किसमें, 500 ml सॉल्यूशन। कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बना है और वो उसका वॉल्यूम कितना है, 500 ml, उसमें 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं मोलरिटी हाँ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे पास में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हमें सिर्फ 10 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है बेटा नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट। हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको सब्सटेंस मान लो या सॉल्यूट मान लो, तो सॉल्यूट मानेंगे सॉल्यूट लिख देंगे या सॉल्यूट लिख देंगे। तो मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसे हम इसका क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 10 ग्राम में कितने होंगे। तो मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दे रखा है हमारे पास में, देखो ये 10 ग्राम दे रखा है, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दे रखा है हमें, 10 ग्राम। तो यह हमने लिखा 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास हम फाइंड करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर आपको पता है तो लिख दीजिए चैट बॉक्स में। कैल्शियम का यूनिफाइड मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 60। तो 40 × 1 + 12 × 1 + 16 × 3, तो इसको सोल्व करेंगे तो 40 + 12 + 48, तो ये हो गया 52 + 48, ये हो गया हमारे पास में 100। तो मास ऑफ द सॉल्यूट 10 दे रखा है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हमें पता चल गया कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है, 100। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया बेटा, 0.1 मोल। ठीक है, अब हमारे पास में मोल्स पता चल गया हमें, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में हमें लेना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 500 ml दे रखा है, तो 500 ml में कितने लीटर हो जाएगा, हाफ लीटर हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोलरिटी ऑफ CaCO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने काउंट किए थे ये 0.1, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना आया, 500 / 1000, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास में 0.5, ये पॉइंट और ये पॉइंट निकल गया हमारे पास में क्या आया, 1/5। तो 1/5 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन की, 0.2 मोल हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया, ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था आप लोगों को समझ में आया बच्चों। 3.16 ग्राम है ना, 3.16 ग्राम KMnO4 है। तो सबसे पहले आपको KMnO4 का मोलर मास पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ KMnO4 जो होता है 158। ठीक है, 158 होता है मोलर मास। अब आपको 3.16 ग्राम दिया है KMnO4, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितने हो जाएंगे, 3.16 / 158,
ये करोगे तो आपके पास में क्या जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमेनोफोर आ जाएंगे। ठीक है, इसको सोल्व करना आपको, इसको सोल्व करेंगे बेटा आप लोग, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमेनोफोर आएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाए तो फॉर्मूला लगा देंगे मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमेनोफोर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स अभी हमें पता चल गया बेटा 3.16 है, डिवाइडेड बाय 158, ये नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर है ना, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो गया 3.16 डिवाइडेड बाय 158 इंटू 1/2। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी, आपके पास में क्या आएगी बेटा, मोलरिटी आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तब आप। तो इसको सोल्व करके बताओ मेरे को क्या आता है आंसर, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा बेटा, देखो इसको सोल्व करते हैं, देखो 3.16 डिवाइडेड बाय 158 इंटू 2, तो 158 इंटू 2 हो गया 316। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ना हमारे पास में 0.01 आंसर, 0.01 आंसर आएगा ना बेटा मोलर। तो आलोक ने जो आंसर किया वो एकदम करेक्ट है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन रहेगा ये हमारा। तो इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, मोलरिटी वाला कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा, वो आपको करना है होमवर्क में। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपको होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन है हमारे पास में, ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग 4.9 ग्राम ऑफ इट डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड कितना लिया हमने, 4.9 ग्राम लिया है, और इसको किसमें डिजोल्व किया हमने, 500 ml सॉल्यूशन बना दिया, डिजोल्व करके पानी में 500 ml सॉल्यूशन बना दिया सल्फ्यूरिक एसिड। इसका हमें क्या फाइंड करना है, मोलरिटी फाइंड करना, कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको ये करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, H2SO4। इसका आपको क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है, इसका मोलर मास फाइंड करो, फिर जितना ग्राम दे रखा है उसको मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है। ये पता चल गया होगा बेटा आपको। अब हम एक नया टर्म सीख लेते हैं बेटा, नॉर्मलिटी। मोलरिटी तो हमने सीख लिया, अब इम्पोर्टेंट टर्म्स हम पढ़ रहे हैं बेटा, नॉर्मेलिटी। जैसे अभी हमने मोलरिटी पढ़ा है ना, उसी टाइप से नॉर्मेलिटी भी हमें पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बच्चों को। जैसे मोलरिटी को हम एम से लिखते हैं, मोलरिटी को हम एम से लिखते हैं, तो नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ, तो एन का मतलब एन इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो मोलरिटी में और नॉर्मलिटी में क्या डिफरेंस है। मोलरिटी में हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, तो नॉर्मलिटी हम क्या में नॉर्मलिटी में हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं। ये देखो मोलरिटी में हम क्या लेते हैं इसकी जगह, अगर मोलरिटी हो, अगर हमें मोलरिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं। नॉर्मलिटी में हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो ये नई चीज है आपके लिए, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ये आप लोगों को समझना है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट को समझना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं सब चीजों के लिए अलग अलग टाइप से। जैसे अगर आपको एसिड दे रखा है तो उसके लिए अलग होगा, बेस दे रखा है तो आपके लिए उसके लिए अलग होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और किस टाइप से इसको हम फाइंड करते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट देखो, ग्राम इक्विवेलेंट समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं, वही हमारे पास में क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले हमें समझना है बेटा इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम सब ये समझते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट समझना होगा। तो इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है, इक्विवेलेंट मास अलग अलग चीजों के लिए निकालते हैं, जैसे एलिमेंट के लिए भी हम निकालते हैं इक्विवेलेंट मास, अगर हमारे पास में कोई एलिमेंट दे रखा है तो उसके लिए भी निकालते हैं इक्विवेलेंट मास, उसका भी होता है। अगर आपको कोई एसिड दे रखा है तो उसका भी निकाल सकते हैं हम, बेस का भी निकालते हैं। इसी टाइप से अगर आपको कोई सोल्ट दे दिया, सोल्ट का भी इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करना है वो अभी हम बताएंगे। इसी टाइप से आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर आपको रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं तो उसका भी आपको इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करना है पता होना चाहिए। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट मास को। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास सीखते हैं बेटा, एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं वो सीख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट दे दिया तो उसकी इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला है उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ये सब लोग आप नोट कर लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। इस टाइप से हम इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड कर लेंगे। एटॉमिक मास आपको पता होगा, उसकी वैलेंसी आपको पता रहेगी, तो उससे हम इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम अगर हम बताते हैं बेटा सोडियम का फाइंड करना है इक्विवेलेंट मास, सोडियम हमारे पास में क्या है, मेटल है, तो एटॉमिक मास सोडियम का, एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए 23 डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द, इसकी वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की, 1 आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट मास 23। इसी टाइप से अगर आपको करना है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 डिवाइडेड बाय द वैलेंसी ऑफ द एल्यूमिनियम, वैलेंसी कितनी होती है एल्यूमिनियम की आपको पता होनी चाहिए, 3 होती है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से अलग अलग एलिमेंट का हम इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे बेटा इम्पोर्टेंट इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड वो कैसे फाइंड करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इसके लिए हम करेंगे बेटा एसिड का मोलर मास हमें पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड। तो देखो क्या चीज है, जो एसिड होते हैं ना उसके लिए होती है बेसिसिटी, एसिड के लिए हम बेसिसिटी फाइंड करते हैं और जो बेस होते हैं उसके लिए हम एसिडिटी फाइंड करते हैं। देखो
जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं उनके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, उनके लिए होती है बेटा बेसिसिटी। और जो बेस होते हैं उनके लिए क्या होती है, एसिडिटी। ये हम फाइंड करते हैं। अब एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी क्या होती है, एसिड का हमें पता है बेटा, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एच प्लस आयन देते हैं। ये क्या करते हैं, एच प्लस आयन देते हैं, उनको हम बोलते हैं एसिड। ये एच प्लस आयन डोनर होते हैं। और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, ओ एच आयन देते हैं। तो कोई भी एसिड कितने एच प्लस आयन को डोनेट करता है वही उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं HCl की। HCl की अगर हमें फाइंड करना है बेटा एसिडिटी क्या होगी, तो HCl को जैसे हम पानी में डिसोसिएट करेंगे, ये H+ में और Cl- में डिसोसिएट होता है। तो HCl है ना, वो किस में डिसोसिएट होगा, H+ में और Cl- में डिसोसिएट होगा। इसका मतलब HCl ने कितना एसिड दिया, H+ आयन कितने दिए, 1 दिया। तो इसकी एसिडिटी, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, HCl की एसिड बेसिसिटी हो गई 1। इसी टाइप से एसिड लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये 2H+ आयन देगा। ठीक है, 2H+ आयन देता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी हो गई बेटा, इसकी बेसिसिटी हो गई 2। इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब अगर हमें इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, किसका, HCl का करना है, H2SO4 का करना है, कैसे करेंगे इक्विवेलेंट मास, देखो मैं बता देता हूँ। इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, जैसे हमें HCl का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो कैसे, क्या लिख देंगे, मोलर मास ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, बेसिसिटी ऑफ, 1 मिनट बेटा, क्या लिख देंगे, डिवाइडेड बाय।